आप लोग सोच कर आए होंगे कि मीरा पर बोलेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि मीरा पर बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि बात कहने और सुनने की है, ऐसी धारणा लेके नहीं बैठना है, बात हो जाने की है। इस भाव से बैठना कि हम मीरा भाव में आ सकें, इस भाव से बैठना कि हम अपने भीतर वो भक्ति रस संचरित कर सकें, इस भाव से बैठना कि हम मीरा हो सकें, ना सुनने आना ना कहने की बात है। ये कह के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कहने से भी बात नहीं बनेगी, बात उसकी बनेगी जो डूबेगा। ये तो बात ज्ञान के लिए भी कही जाती है कि जब सत्य को भी बोलना शुरू करते हैं वो झूठ हो जाता है। फिर यहाँ तो भाव हैं, भक्ति है, रियलाइज़ करने की चीज़ें हैं। जैसे अभी आप मीठा खाओ और आपसे हम पूछते हैं मिठास की परिभाषा बताओ, मीठा कह सकते हो, स्वाद कह सकते हो, लेकिन मिठास और स्वाद की परिभाषा आप नहीं दे पाओगे। अगर आपको दर्द हो रहा है आप ये तो कह सकते हो दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द की परिभाषा नहीं दे पाओगे। इसी तरह से मीरा का चरित्र जो दिख रहा है वो चर्चा हो सकती है, अपने अनुभव के आधार पे उसको समझा जा सकता है, लेकिन समझाने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि जो हकीकत भीतर अनुभव होता है वो एज इट इज़ वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। जितना भी कोशिश करेंगे शब्दों में बांधने की, बंधेगा नहीं, मीरा बंध नहीं सकती है। सबसे बड़ी खूबसूरती है इस भक्ति की, सबसे बड़ी खूबसूरती है इस रस की, कि ये शब्दों में बंधता नहीं, शब्दों में बयान होता नहीं, क्योंकि ये शुरू ही तब होता है जब अशब्दी हो जाता है। जब तक शब्द की मर्यादा में रहता है, शब्द की सीमा में रहता है, तब तक ये पूरी तरह से रस नहीं देता है। रस कब देता है? जब ये इन सीमाओं को लांघ जाता है। अब एक रस जो शब्दों को लांघ के पिया गया, एक शब्द, एक रस जो इंद्रियों को लांघ के अनुभव किया गया, अब उसको हम शब्द में कैसे बांध देंगे और इंद्रियों द्वारा हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? मुश्किल हो गई ना बात, क्योंकि यहाँ भावों की अभिव्यक्तियाँ हैं सारी और कुछ भी नहीं। ऐसे तो अगर हम बात करें बहुत साधारण बात है, आम बात है, लेकिन आम नहीं है। फिर भी अगर प्रेम की दृष्टि हो, गहराई हो अंदर प्रेम की, मीरा को बोलना मुश्किल है, मीरा को गुनगुनाना आसान है, गुनगुना सकते हैं। अगर आप खुद उस भाव में आ जाओ और आप उसके पद गुनगुनाओ, मीरा को गुनगुनाया जा सकता है, समझ आ सकता है कि वो क्या कह रही है, कहाँ से कह रही है। समझो मेरा अपने इष्ट से प्यार हो गया, और इतना प्यार हुआ कि उनके सिवाय पूरे संसार में कोई मुझे समझ में आता नहीं। अब जब हम इस भाव में आके गुनगुनाएं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई,
अब समझ में आ सकती है मीरा, इसका मतलब मीरा गुनगुनाई जा सकती है। कहाँ पर? हृदय के संगीत पर, कानों के संगीत से नहीं, म्यूजिक से नहीं, हारमोनियम और तबले से नहीं, बड़ा अच्छा सिंगर कोई गाए उससे नहीं, लेकिन मीरा को गुनगुनाया जा सकता है हृदय के संगीत पर, हृदय के भाव पर। जब मेरे अंदर भी वो भाव हो तो मुझे समझ में आएगा मीरा किस रस से भर के बोली है। देखो, जब हम बात को सुने समझें, जब तक उस रस से भरेंगे नहीं ना, समझ नहीं आ सकेगा। पहले उस रस से भरना होगा, विचार करना। कभी कोई चीज खाते हैं आप, जब किसी चीज का पहले टेस्ट मुंह में आने लगता है, लार टपकना जिसको हम लोग कहते हैं, भाई ये चीज देख के तो मेरी लार टपक रही है, उसको खाने का स्वाद अलग ही होता है। एक चीज को देख के लार नहीं टपक रही, साधारण, एक चीज को देख के उल्टा घिन्नी आ रही है, कहाँ स्वाद देगी वो। ये स्थिति यहाँ पर भी होती है, जब प्रेम भक्ति भाव ये अंदर लार टपके। अभी हम बैठे हैं इस महफिल में, लार टपकनी चाहिए। मीरा क्या अनुभव कर रही है, मीरा को क्या फीलिंग हो रही है, मीरा को गिरधर कैसे अपने लग रहे हैं, मीरा कैसे उस रंग में रंग गई है। जब मेरा हृदय वो गुनगुनाहट शुरू करेगा तो मीरा गुनगुनाई जा सकेगी, वरना नहीं। मीरा सुनी नहीं जाएगी, मीरा गाई जा सकती है, मीरा नाची जा सकती है। अब तुम मौज में आ जाओ तो तुम्हें समझ आ जाएगा गली गली हरिगुण कैसे गाने लगी। या आज आपके अंदर प्रेम उमड़ता है भगवान का, गुरु का, आप महसूस करो, आपका मन करता है जो मिले मैं उससे यही चर्चा करूं, जो मिले मैं उससे ये बात करूं। कोई कोठे चढ़ गया तो किसी ने कुछ किया, पता चलता है मीरा गली गली हरिगुण क्यों गाने लगी। कभी हम लोग विचार करते हैं एम तो नहीं था ये सब करने का, कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन कैसे इतनी जगह ये संदेश पहुंचा गुरु का, उनकी महिमा गाने को मन होता था। सत्संग तो आता नहीं था पर उनकी बातें करने का शौक हुआ करता था। यही हुआ होगा मीरा के साथ, जो गली गली हरिगुण गाने लगी। वो कोई ऐसे नहीं नाचती है कि मेरे को जाना है नाचना है। अभी आप लोग कीर्तन करते हो, आप आज तो शादी का कीर्तन है, नाचना पड़ेगा, है ना, फीलिंग होती है। मीरा की ये फीलिंग्स नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो कैसे नाचते हैं, भाव आवेश में बैठे सत्संग कर रहे होते थे, अचानक कोई भजन गुनगुना उठे, किसी को कह दिया सुनाओ, वो भजन में लीन होते होते अपनी सीट से ही उठ जाते थे, नाचने लगते थे। ये कोई प्री प्लैंड प्रोग्राम नहीं होता था, भाव आवेश होता था। भाव आ गया और उस भाव में वो मगन हो गए। मीरा के पास भाव आवेश होता था, आ गया भाव अंदर से। अच्छा, ये तो बदनामी हुई ना, भी गली गली हरिगुण गाने लगी और नाचने लगी। सारा समय उसकी ये स्थिति नहीं थी, कभी तो बेसुध सी भी पड़ी रहती थी, कभी तो बहुत वैरागी की तरह सुनो के भी बैठी रहती थी, कभी तो एक चातक की तरह सिर्फ प्रतीक्षा में आंखें बिछाए रखती थी। कभी ये भाव आ जाता था, क्या था, सब भाव आवेश था।
इसके अलावा कुछ नहीं था। हमें नकल नहीं करनी है। एक बात याद रखना, मीरा बनना नहीं है, मीरा होना है। दोनों बातों में फर्क है। मीरा बनने में आप मीरा के चरित्र से चीज़ें उठा के कॉपी करना चाहोगे, वो गलती बिल्कुल मत करना। मीरा हो जाने का अर्थ होगा अंदर उस भक्ति के ज्वार भाटे को उठा देना। मीरा होने का अर्थ होगा, जैसे आप देखते हो आपके वॉल्केनोस पड़ते थे, बीबी न्यूज़ में आता होगा शायद, भाई यहाँ पर ये वॉल्केनो फूटा, लावा फूट रहा है उसमें से। मीरा हो जाने का मतलब होगा अंदर जो सुषुप्त प्रेम है परमात्मा के लिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि नहीं है, जो सुषुप्त प्रेम है परमात्मा के लिए महिमा द्वारा, किसी भक्त द्वारा, गुणानुवाद द्वारा, अनुभव कर करके अंदर से उस वॉल्केनो को एक्टिव करना। वॉल्केनोस क्या होते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं, है ना, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, कई कई साल पड़े रहते हैं चुप, फिर अचानक एक दिन उसमें से आग उठने लगती है, लावा निकलने लगता है और बहुत गर्म होता है, आसपास के शहर तक खाली कराने पड़ते हैं। ऐसे हमारे अंदर प्रभु प्रेम का वॉल्केनो सुषुप्त है। ये मत सोचना नहीं है भाई मीरा के अंदर था, हमारे अंदर भी है, बिल्कुल है। मीरा ने एक्टिव किया और हमें गुरु मदद कर रहा है एक्टिव करने में, लेकिन ध्यान रखना बनने का नहीं। कोई भी ये संकल्प मत करना मैं मीरा बनूं, मीरा हो जाऊं। मीरा हो जाने में एक तारा नहीं उठाना पड़ेगा, मीरा हो जाने में खड़ताल नहीं उठानी पड़ेगी, मीरा हो जाने में मजीरा नहीं उठाना पड़ेगा, मीरा हो जाने में घुंघरू नहीं बांधने पड़ेंगे, मीरा हो जाने में समर्पित होना होगा, मीरा हो जाने में वो प्रेम का समुंदर लहलाएगा अंदर से, मीरा हो जाने में आपके अंदर भगवत प्रेम चरम पे आएगा। बात वो वाली है, मीरा को कहना मुश्किल होगा, हम मीरा को कहेंगे नहीं, हम मीरा को गुनगुनाएंगे, हम मीरा की चर्चाएं नहीं करेंगे, हम मीरा को जीने की कोशिश करेंगे, हम मीरा में डूबने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीरा के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। देखो बड़ी जबरदस्त एक बात समझना, मीरा के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। क्यों है, कैसे है? पहली बात, मीरा के पास हमें देने के लिए गिरधर है, मीरा के पास हमें देने के लिए गिरधर की भक्ति है, मीरा के पास हमें देने के लिए भाव है, मीरा के पास हमें देने के लिए रस है, मीरा के पास हमें देने के लिए भगवान की महिमा के भजन है, मीरा के पास हमें देने के लिए थिरकन है, नाच है। मीरा हमको बहुत कुछ दे सकती है। ये मत सोचना कि एक शब्द है सिर्फ, भगवान की भक्ति भक्तों से मिलती है। इस चीज को समझ के चलना बहुत अच्छे से। भक्त, भगवान का भक्त भक्ति का दाता होता है। जो भक्ति भगवान स्वयं नहीं दे सकते, वो भक्ति उनका भक्त दिया करता है। और ये हम सबके जीवन का अनुभव है। वो बातें जो उनके भक्तों ने हमें बताई, सिखाई, उनको समझ के सीखी, भगवान ने कभी मुख से नहीं बोली थी अपने। जिसके अंदर भगवान के भक्त की कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो कभी भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएगा। आप महसूस करके देखना, कई लोगों का इग्नोरिंग एटीट्यूड होता है, समझो
किसी को बिठा दिया जाए किस दिन बात करने, सत्संग करने। कई लोगों का इग्नोरिंग एटीट्यूड होता है, वो तो है नहीं, क्यों जाएं, फलाना बोल रहा है सो लो भाई, क्या करना हमने। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भक्ति प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि भक्त से मिलनी थी भक्ति और भक्त को तुमने इग्नोर कर दिया, तो तुम्हारे जीवन में भक्ति का प्रवाह नहीं आ पाएगा। भगवान नहीं बताएंगे मुझे कैसे देखो, भगवान नहीं बताएंगे मेरी महिमा कैसे करो, भगवान नहीं बताएंगे देखो मैं क्या हूँ। एक भक्त से नज़र मिलती है, भगवान को देखने की नज़र मिलती है, एक भक्त के भाव से हमारे अंदर भाव जागने लगते हैं। अरे इसका ऐसा भाव है, अरे इसका ऐसा प्रेम है, अरे ये अपने भगवान को इस तरह से जानता है, ये उनके प्रति ऐसे लॉयल है, ये उनको ऐसे समर्पित है। वो चीज़ें अंदर भाव जगा देती हैं, हमारे अंदर भी जगाती हैं, हमारे अंदर भी पता चलने लगता है। मीरा कह सकती है सच्चा पति परमेश्वर। अब दोनों में डिफरेंस देखो, आप लोगों ने पति को परमेश्वर बना दिया, उसने परमेश्वर को पति बना दिया, फर्क देखो, नजरिए का फर्क देखना। अब जब मीरा को समझोगे तो तुम्हें भी आस्था होने लगेगी ना, मीरा के पास है देने के लिए, क्योंकि मीरा भगत है, भगत के पास बड़ा कुछ रखा रहता है। जो भक्त के पास है वो भगवान के पास भी नहीं है, बड़ी मजेदार बात है, भगवान के पास भी नहीं है जो भक्त के पास है। इसीलिए राम अवतार हुआ, शिव अवतार हुआ, दोनों ने एक दूसरे को गुरु मान के भक्ति करी, भक्ति का रस ले नहीं पा रहे थे, शिव तो शिवत्व में बैठ गए, अब क्या करें, स्वाद नहीं आ रहा, निराकार तो पहले ही था, फिर निराकार से साकार सृष्टि क्यों रची, दिल नहीं लग रहा था, फिर निराकार होके बैठ गया, मजा नहीं आ रहा था, क्या किया, राम ने शिव को इष्ट मान लिया, शिव ने राम को इष्ट मान लिया, रामेश्वरम जगह, राम हैं ईश्वर जिनके, राम के ईश्वर हैं जो। ये भक्ति का स्वाद लेने के लिए, भगवान के पास सारा कुछ है, भक्त कहता है फिर भी भक्ति का स्वाद नहीं है तेरे पास, वो मेरे पास है, समर्पण का स्वाद, प्यार का स्वाद। तभी तो देखो जब भक्त समर्पित होता है स्वाद लेने के लिए, भगवान समर्पित हो जाता है उसको, टेस्ट कैसे ले, तेरे भक्त की भी भक्ति करें बनवारी, क्यों करते हैं, भक्ति का स्वाद कहाँ से लें, फिर अपने भक्त की चाकरी करने लगते हैं, अपने भक्त के पीछे घूमने लगते हैं, क्योंकि भक्ति का स्वाद तो उनको भी चाहिए, समर्पण का स्वाद उनको भी चाहिए। वो भी जैसे एक बच्चे को माँ की ज़रूरत, हर पल रहे छोटा बच्चा है, लेकिन देखा है माँ भी बच्चे की चाकरी करती है एक तरह से, पीछे 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 ये खा ले ऐसे कर ले, तोतली बन जाती है उसके लिए, क्यों, वो भी स्वाद लेना चाहती है उस तोतलेपन का, वो भी स्वाद लेना चाहती है उस बचपने का। देखा है कभी बच्चों के लिए फेरेक्स बनाएगी, कुछ चाट लेगी खुद भी, बचा हुआ खा जाएगी, स्वाद लगता है, झुनझुना जितना बच्चे को अच्छा लगता है माँ को भी बजाने में मजा आता है। करो अनुभव इन बातों का, तुम्हें पता चलेगा बड़प्पन में मार, बड़ी मार बड़प्पन में, बड़प्पन में बचपना जीने का दिल करता है, ऐसे भगवान उनका भक्ति को जीने को दिल करता है। इसीलिए जहां हम कहते हैं ना बड़े ग्रेट हैं, वो भी झुक गए, वो भी ऐसे हुए, अंदर एक छुपी हुई चतुराई है, भक्ति का स्वाद लेना है उनको, उनको भी मजा लेने का है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, ये वाला रस कहाँ से लाएं, ये रस नहीं है उसके पास,
मीरा के पास हमें देने को जो है शायद कृष्ण के पास ना हो, गोपियों के पास जो हमें देने के लिए है शायद कृष्ण के पास ना हो, क्योंकि जब तक हमको गोपियां ना बताएंगी हमें कृष्ण को देखना ही नहीं आएगा। हमें जब तक मीरा नहीं सिखाएगी हम कृष्ण को समझ ही नहीं पाएंगे, हम उस भाव में डूब ही नहीं पाएंगे, हम तो ऊपर ऊपर से देखते रहेंगे। अब ऐसे आप अगर किसी को गाय का दूध दोहते देखो, भैंस को दोहते देखो, आपको लगेगा बहुत इजी है, मैं भी बैठ जाता हूँ बाल्टी लेके दो लाता हूँ दो के दिखाओ, एक टांग मारेगी गाय तुम्हें, बाल्टी भी जाएगी तुम भी जाओगे, ऐसे इजी लग रहा है, लेकिन प्रोसीजर है ना। ये जो भक्ति को चोना है दोहना है, भक्ति दोहनी भक्तों से सीखी जाती है, वो दोह सकते हैं भगवान की भक्ति और वो हमको सिखा सकते हैं। इसीलिए मीरा के पास हमें देने के लिए बड़ा कुछ रखा हुआ है, ये समझ के चलना मीरा बहुत कुछ दे सकती है। ये मत सोचना खाली कृष्ण की महिमा गाती है, नहीं, उसके जीवन का एक एक पहलू, उसके जीवन की एक एक घटना बहुत कुछ देती है। भगवान से बड़े दातार पता है कौन होते हैं? भक्त, जो भगवान हमारी झोली में डाल देते हैं, भगवान से भी बड़े दातार। सच्चा भक्त मिल जाए, कहीं सच्चे भक्त से मुलाकात हो जाए और वो सच्चा भक्त बरस पड़े एक बादल की तरह। सच्चा भक्त मिले कोई और वो मौज में आ जाए और बरस पड़े एक बादल की तरह, हमें तृप्त कर दे, हमें भिगो दे, हमें रस से सरोबार कर दे, ये भक्त के पास होता है खजाना। वो डाल सकता है, वो दे सकता है और नहीं कोई दे पाएगा। भगवान खुद भी हमको देना चाहे, जनवाना चाहे। अब भगवान कृष्ण ने जनवाना चाहा अर्जुन को, क्या जनवाया? विराट रूप। वो क्या कहता है देखने के बाद? सौम्य रूप धारण करो, डर लग रहा है, सौ सूर्यों का प्रकाश हो रहा है, भैया मेरे को तो वही वाले बन जाओ। नहीं जनवाना, जनवा रहे हैं, अगला वो जानने को तैयार नहीं, अगले को चाहिए नहीं, नीड नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है। और भगवान जो आकर्षक रूप लेके गोपियों के सामने आ गए, वो कहती हैं हट मत हमारे आगे से, जा मत यहाँ से, यहीं रह, हमारे सामने रह, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना बीबा साडा दिल मोड़ दे, दिल क्यों लिया हमारा, रे आंखों के सामने। अब जो वो जान रही हैं, अब चाहे भगवान कहें ये क्या देख रही हो, नाम रूप में अटक रही हो, वो जो हम देख रही हैं हम देख रही हैं, तू चुप कर बैठ, वो भगवान को भी चुप करा देती है। कोई भगत कह दे तुम तो शरीर देख रहे हो, कल भी हम हंस रहे थे, मैंने कहा कोई तुम लोगों को कहता है गुरु के देह के पीछे भागते हो, गुरु को देह जानते हो? उनका बोलो बड़ी मजबूरी है, देह ही मेरे लिए धारण की उन्होंने। अब अगर दुल्हन तैयारी दूल्हे के लिए हुई वो ना देखेगा तो कौन देखेगा, है कि नहीं? तुम्हें घर में भी होता है, तुम जिसके लिए सजे वो तो देखे, भगवान मेरे लिए ही तो साकार हुए, मैं ना देखूं तो कौन देखे, मैं ना दर्शन करूं तो कौन करे, मैं ना दीवाना बनूं तो कौन बने भला। तो ये आंख है गोपियों के पास, वो कहती हमने देखा जो देखना था। वही बात आ गई, बछड़ा होके तो कोई दूध पी ले, गाय तो चाके भी नहीं पिला सकती, भगत होके कोई भगवत दर्शन कर ले, भगवान चाके भी अपना रूप नहीं दिखा सकते। अब चाह रहे हैं अर्जुन को दिखा दूं, सारी दुनिया आज तक पूज रही है विराट रूप को, सारे चाह रहे हैं पूज रहे हैं, लेकिन पूछो चाहते हो?
भगवान ही कभी कभी जोश में आते थे तो हम लोगों को सबको लगता था नहीं नॉर्मल हो जाए ना, आराम से कह दें जो कहना, कहाँ अच्छा लगता है वो रौद्र रूप विराट रूप, कहाँ अच्छा लगता है सौम्य रूप अच्छा लगता है। भगवान दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, वो अपने निश्चय में है वही दिखाएंगे। भक्त देखेगा वो अपनी भक्ति में है, वो देखेगा जो उसने देखना है, वो तो देखेगा, वो पीताम्बर भी देखेगा, मुकुट भी देखेगा, बांसुरी भी देखेगा, क्या नहीं देखेगा, वो सब कुछ देखेगा। क्यों? ये सब उसकी भक्ति के साधन है, अंग है उसकी भक्ति के, ये उसकी आशिकी है, ये उसका प्यार है, ये उसका भाव है। तो भक्त के पास सबसे बड़ी चीज है कि वो भगवान को हमारी झोली में डालते हैं, हमें देते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं, रस लेना सिखाते हैं। वो खाया तुमने कभी बर्फ का गोला होता है, किसी को खाने ना आता, वो अपना चम्मच मार के तोड़ के बर्फ खानी शुरू कर दे, तुम्हें तो पागल ऐसे नहीं खाते इसको, और तुम उसको चूस चूस के दिखाते ऐसे स्वाद ले लेके खाते हैं इसका, बड़ी देर लगा और कोई 5 मिनट में बर्फ खा के साइड हो जाए, नहीं ना। तुम उसको सिखाते हैं लॉलीपॉप हो किसी के पास, वो ऐसे खा के चबा जाए, टॉफी चबा जाए, कहते हो क्या मजा आया, चबा गए तुम, इसको मुंह में रखो, घुलने दो, स्वाद आने दो। जो भक्त होते हैं ना, अब तुम क्या करते हैं, तुम चबा के खाते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, चबा के खा जाते हो। भक्त क्या सिखाता है, भक्त कहता है स्वाद आने दो, रस आने दो, जरा अनुभव करो, तकड़ मत करो। कैसी भक्ति थी, क्या था भक्ति का स्वरूप, सोच के देखो। चबाने वाला था ना, जल्दी जल्दी, ओम जय जगदीश्वर जल्दी, और जबकि एक ही बार जगदीश ध्यान में आ जाए आरती तो वहीं छूट जाती है। गा के देखो कभी, अब गा के देखो, अपने इष्ट को अपने जगदीश को रखो सामने, अब गा के दिखाओ। बार बार भूल पड़ेगी, जो आरती याद है ना वो भी गड़बड़ हो जाती है। गा के देखो कभी, चालीसा गा के देखो कभी। हमने एक दिन किया एक्सपेरिमेंट, अकेले बैठे गुनगुना रहे थे, हमको तो याद है बचपन से, सामने मूरत तो अपने भगवान की, वो बार बार हम वहीं आ जाए वहीं, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पर समझ में आ गया ये सुई जब अटकी हुई है तो आगे कहाँ से बढ़ेगी, तो सुई तो वहीं अटक गई, उनमें आंख अटक गई, उनके स्वरूप में आंख अटक गई, उनमें लीनता हो गई, शब्द का ध्यान ही नहीं आ रहा, वही 4 लाइनें बार 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 आती जा रही हैं, तो ये अंतर हो जाता है। इसीलिए मीरा के पास हमें देने के लिए आंख है, मीरा के पास हमें दिखाने के लिए भगवान है, मीरा के पास हमें पिलाने के लिए रस है। मीरा की आंख से देखो भगवान का ऐश्वर्य, बड़ा फर्क समझ में आएगा। उस आंख से देखो जिस आंख से मीरा ने देखा, उस आंख से देखो जिस आंख से गोपियों ने देखा। तो ये जो मीरा की बात हम लोग करेंगे, मीरा के वचन, मीरा के पद, मीरा के जीवन की कहानियां, जो जो भी हैं, ये सब क्या है, एक भक्त के हृदय की अनुभूतियां हैं। इनको ऐसे मत सोच लेना कि कोई नॉर्मल सी घटना है, ये भक्त के हृदय की अनुभव हैं, सच्चे अनुभव हैं, उसका हृदय है, उसका भाव है, उसका प्यार है। और जब भी हम सुने पढ़ें समझें, मे बी कभी कभी आपको लगे कोई कोरिलेशन नहीं, मीरा के पद देखो ना, कहीं कहीं पर लगता है कोई कोरिलेशन जैसा नहीं,
है हो भी नहीं सकता। फर्क है, फर्क क्यों है? एक होता है शास्त्र, जब शास्त्र लिखा जाता है तो वो एक शुरुआत से शुरू होता है और एक लास्ट तक जाता है। समझो महाभारत है, अब वो स्टार्टिंग से सारा लिखा गया, लास्ट तक चला, भाई युद्ध खत्म हुआ फिर क्या क्या हुआ वहां तक चला। रामायण है, बालकांड से शुरू हुई, उत्तरकांड पे पहुंच गई, ऐसे ही लिखी जाती है। भागवत, भगवान के बचपन से शुरू हुई, फिर सारी स्टोरीज आती गई बीच में, भागवत बन गया वो। लेकिन मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई भागवत ग्रंथ नहीं लिखा, कोई रामायण भी नहीं लिखी, कहीं से शुरू होके कहीं पहुंच गई हो ऐसा भी कुछ नहीं किया उसने। मीरा के भीतर जो भाव उठे, जो मेन बात, जो भाव उठे और जब उठे और जैसे उठे, उसने वैसे के वैसे वो भाव कह डाले। अब ये किसने लिखे क्या किया पता नहीं, मीरा पढ़ी लिखी थी नहीं थी किसी को पता नहीं। मेन बात क्या है कि जो उसके भीतर आया और जब जब आया और जैसा आया, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं एक प्रेमी भक्त को समझने के लिए, नहीं तो तुम गलतियां निकालने लगोगे। समझ के चलना, मीरा जो कह रही है बस जो जब आया जैसा आया कह दिया तो कह दिया, टेंशन नहीं। धन्ना भगत है, जो आया कह दिया, तुसी जी हल चलाओ खेतानू पानी लाओ मेरे खूब आओ, हाँ कह दिया, प्यार में आके कह दिया। भगवान कह रहे हैं भूख लगी है डाडी, कह रहा आज मेरे काबू आया, मंदरां दे विच वेला बह के अपना कम चलाया। ये कोई द्वेष नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, भगवान को कोई नीचा नहीं दिखाना है, वह प्रेम में आके कह गया तो कह गया। फर्क होता है, एक व्यक्ति सोचता है मुझे ये कहना है ये नहीं कहना, जैसे अक्सर लोग करते हैं, बड़े सारे लोग बेचारे अपनी बात कहने में ही चूक जाते हैं, कितने लोग नजदीक आके भी चूक जाते हैं, जब तक वो शब्द बांधते रहते हैं धक्का पड़ जाता है जैसे आगे चले, वो शब्द ही बांधता रह गया, ऐसे कहूं ऐसे ना कहूं, ये कहूं ये नहीं कहूं। भक्त फॉर्मेलिटी से रहत होता, जैसा आया कह दिया। क्यों? एक विश्वास भी होता है कि बच्चे की तोतली जुबान माँ समझ सकती है, मेरे तोतले भाव भगवान समझ जाएंगे और कोई समझे ना समझे, एक विश्वास रहता है। इसीलिए मीरा को कुछ सोचना नहीं है, उसको जैसा आया ना उसने वैसा कह दिया, जैसा भाव आया वैसा कह दिया। धन्य भगत को कुछ सोचना नहीं, जैसा आया बात कर ली अपनी, सोटी दिखानी पड़ी वो भी दिखा दी, रोटी खिलाने के लिए काम कराना पड़ा तो वो भी करा लिया, नौकर बन खेतां विच बीज बीज दा, कोई बात नहीं। क्यों? भगवान किस चीज का भूखा? प्रभु भावना दा भूखा, भूखा नहीं हो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध उदे उते रीजदा। भगवान रीजे किस पे? शुद्ध भाव पे। भगवान जो रीजे वो शुद्ध भाव पे रीजे ना, किसी और चीज पे थोड़ी रीजे। अब जो मीरा ने कहा, देखो किसी सांसारिक व्यक्ति के सामने तो कहा नहीं, कोई गवाह भी शायद ही होगा, कभी मौज में गा दिया होगा, पब्लिक में गा दिया होगा, वैसे मीरा ने जो गाया लोगों के सामने तो नहीं गाया। किसके सामने गाया? अपने भगवान के सामने।
अपने प्यारे के सामने गाया ना। अब आप कुछ लिखते हो, समझो कई लोग भजन बनाते हैं, कई लोग कविता बनाते हैं, आप जब लिखते हो तो आप उसमें कई तरह के ना चेंजेस करते हो, सुधार करते रहते हो, कह लो संशोधन करते हो ना, नहीं ये वर्ड ठीक नहीं लग रहा ये लिखता हूँ, ये नहीं बैलेंस बैठ रहा ये लिखता हूँ, करते हो ना। मीरा ने ये नहीं किया, अभी पद पढ़ेंगे आप देखना, मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लोगों के सामने तो कहा नहीं। अब आप देखो एक फर्क होता है, आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई पता कब होती है बात को लेके, किसी के सामने तूने ऐसे क्यों कहा, है ना, अकेले में कुछ भी कह लेते हो एक दूसरे को, बंद कमरे में बुरा नहीं लगता, जब पब्लिक में बात आ जाती है तो एक दूसरे को माइंड हो जाती है, वो कहता है तूने ऐसे, देख मेरे वो फ्रेंड्स थे उसके बीच तू कैसे बोली आके, कैसे पूछा तूने, मेरी माँ बैठी थी चाय कैसी पूछी तूने, और वो कहेगी आपको दिखता नहीं है चार लोगों के बीच आप कैसे बात करते, अकेले में बोलते ये बात, झगड़ा कहाँ होता है, आपस में नहीं है दिक्कत, लोगों के साथ दिक्कत है। मीरा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, जो आया जैसा आया कह रही है, लोग तो है नहीं बीच में, ना भगवान को बुरा लगना ना मीरा को बुरा लगना, बड़ी सीधी सी बात है, होते लोग बीच में तो संशोधन की जरूरत पड़ती, याद रखना। अब फॉर्मल गुरु से भी कब होते हो, जब आपको चार लोग नजर आते हैं, अगर आपको वही वही दिख रहे हो आप मन की बात कर लेते हो, आप प्यार का इजहार कर लेते हो, आप अपनी बात कह लेते हो, आपको जो हृदय में आता है आप प्रकट कर लेते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं और कोई बुरी बात नहीं, इसीलिए मीरा को कुछ सोचना नहीं पड़ा। ये जो मीरा के पद हैं ये ऐसे ही हैं सारे, जैसे रॉ फॉर्म होती है ना किसी चीज की, बस रॉ ही हैं ये, इनको कोई ठीक वीक नहीं किया गया, रॉ हैं ये। आया मन में, जैसे हम लोगों के पद्दू के भजन है ना, बिल्कुल सिंपल दादा के समय के पुराने भजन, ऐसे ही लगता है बस किसी ने हृदय में जो आया वो गा दिया, कोई बनावटीपन नहीं है उसमें। मीरा के पास भी यही स्थिति है, ये रॉ है सारा खजाना उसका, एकदम रॉ, बिल्कुल जैसे हीरा निकलता है ना खदान से, कच्चा अभी तराशा ना गया हो, गड़ा ना गया हो जैसे किसी पत्थर को, बिल्कुल वैसी स्थिति। मीरा ने बीच में किसी फॉर्मेलिटी को लाने की कोशिश नहीं की है, बहुत साधारण तरीके से, जैसे आप अपने बंद कमरे में कोई भी बात साधारण कर लेते, कुछ भी बोल लेते हो एक दूसरे को, तकिए भी मार लेते हो एक दूसरे को, चल जाता है। मीरा के पास भी यही स्थिति है, उलाने भी हैं, प्यार भी है, दोनों बातें, शिकायत भी है शुक्राने भी हैं, कभी दासी भी बनी बैठी है, कभी सिर भी चढ़ी बैठी है, सब कुछ है, क्योंकि सिर्फ प्यारे और उसके बीच की बात है ना, वो थोड़ी जानती थी जग जाहिर हो जानी है कहानी, उसको तो ये पता था ये मेरी और मेरे प्यारे के बीच की बात है, इसीलिए विचार नहीं करती भूल चूक नियम मात्राएं, कोई फिक्र नहीं। हम लोगों को तो बचपन से सिखा देते हैं ना क्लास में, अलंकार मात्राएं छंद, किसको कैसे लिखना है किसको कैसे पढ़ना है, देखा पढ़ने के अंदाज भी लिखना भी, और ज़्यादा वो पढ़ लो हिंदी में पढ़ाई वढ़ाई जरा बीए एमए कर लो और ही ज़्यादा तुमको सिखाया जाता है, तुम कुछ भी पढ़ोगे तुम्हें गलती पहले नज़र आ जाएगी, जितनी बुद्धि ज़्यादा गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं, इसीलिए बुद्धि छोड़ के चलना मीरा के साथ।
अगर तुम पढ़े लिखे भी हो ना, बुद्धि छोड़ के चलना मीरा के साथ, नहीं तो नहीं चल पाओगे, छोड़ देना बुद्धि। रामायण पढ़ो ना, उसमें सोरठे आते हैं, एक छंद है एक सोरठे है। सोरठे पढ़ने का तरीका अलग होता है, पीछे का हिस्सा पहले पढ़ा जाता है फिर आगे वाला हिस्सा, तो दोहा बन जाता है वो, उसको सोरठा कहते हैं। और अगर उसको तुम सीधा पढ़ोगे तो सेंसलेस लगेगा। अब जब लिखी गई रामायण, लिखी तो भावपूर्वक गई, अब लोग उसमें गलती ना निकालें, उसको भी एक नाम दे दिया सोरठा। ये भी एक रूप है व्याकरण का। अब इसको ऐसे सीधा करके पढ़ा जा सकता है। भक्तों की बातें कहीं कहीं अटपटी हैं, थोड़ा सीधा करके पढ़ना पड़ेगा। और भाव के बिना सीधी होती नहीं, लिख लो, भाव से सीधी होती है। अद्धी राती लिखा चिट्ठियां, लिखियां सी पुठियां पै गईयां सीधियां, तो मेरे भगवान ने तो सीधी करके पढ़ ली। तसल्ली होती है, इसीलिए पुठी चिट्ठियां उल्टी चिट्ठियां लिखने में भी डर नहीं लगता, रोकते नहीं है हाथ की, हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लिखियां सी पुठियां पै गईयां सीधियां, अपने आप ही सीधी पढ़ ली, क्योंकि भगवान ने सीधी करके पढ़ ली। वो ना समझेगा मुझे तो कौन समझेगा। इसीलिए मीरा ने इन चीजों की फिक्र नहीं की कि तुकबंदी ठीक बैठ रही है, मात्राएं ठीक बैठ रही हैं, उस शब्द का मिलान आ रहा है ठीक से, हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया। मीरा के पास इन सब चीजों की कोई फिक्र ही नहीं। अब फिक्र ना होने के पीछे भी फिर एक कारण है बड़ा अच्छा, वो ये है कि बात हम किससे कर रहे हैं, अपने प्रेमी से, प्रियतम से। और मेरा प्रियतम कोई परीक्षक थोड़ी है, एग्जामिनर थोड़ी है, वो कोई मेरा एग्जाम लेने थोड़ी बैठा है, वो कोई परखने थोड़ी बैठा है, मेरा भगवान क्या करने बैठा है, वो तो मेरे प्यार के भाव स्वीकार करने बैठा हुआ है। इसीलिए फिक्र करने की जरूरत ना पड़ी। कभी कभी कई लोगों को, हम लोगों को डांटना पड़ता है, तरीके से बात करो, कहते हमको ऐसी आती है, वो सीधे हैं बेचारे, अपनी जगह हम ही चुप हो जाते हैं, ठीक होगा ये नहीं होगा, इसके अंदर बात बनाने का, बात करने का, सरलता से ही अपनी बात कह रहा है। तो मेरा भगवान, मेरा प्रियतम कोई मेरा परीक्षक तो नहीं है ना, कि मेरी परीक्षा लेगा, वो देखेगा मैं सही गा रहा हूं कि नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं। बड़ी गलती हो जाती है जब प्रेम का अभाव होता है, हम हृदय नहीं खोल पाते, हम फॉर्मेलिटीज में मरते रह जाते हैं। कभी हम सोचेंगे मौन से भगवान को लगेगा मैं बड़ा ज्ञानी हूं, कभी लगता है हम बड़े सधे हुए शब्द बोलेंगे, इनको लगेगा मैं इनके लिए इतने ऊंचे ऊंचे अलंकार प्रयोग कर रहा हूं। ये बड़ी गलती हो जाती है, ऐसे में आप कभी अपना दिल नहीं खोल पाओगे। और जितना आपने बाहरी व्याकरण का सहारा लिया, भगवान के दिल को छुएगा ही नहीं। ये गलती मत करना, भगवान एग्जामिनर नहीं है, वो तेरा प्यारा है, प्रियतम है, वो दिल से दिल की बात समझता है। और तुम कोशिश करके उनसे दिल की ही बात करो, मत कोशिश करो बाहर से शब्द जुटाने की, वे जोड़ने हैं शब्द मुझे, एक चिट्ठी अच्छी करके लिखनी। हम लोगों को कुछ नहीं आता था उस समय, तो हैंडराइटिंग भी बड़ी बेकार थी, पर जब चिट्ठियां आती थीं लोगों की, भगवान ने तुम्हारा पत्र सत्संग में पढ़ के सुनाया, हम शॉक्ड हो जाते थे, हम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं, सरल सरल सी बातें लिखी थी, शर्म आती थी कई बार, भगवान आप चिट्ठी ऐसे सत्संग में ना पढ़ा करिए, ऐसे क्यों पढ़ी आपने, हमने तो आपको लिखी। बोले पर मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मुझे लगा मैं सबको पढ़ के सुनाऊं।
तू क्या समझता है भगवान हमारा दिल समझता, आते ही नहीं थे शब्द, अभी तो फिर भी बहुत सारे शब्द आ गए, सत्संग करते करते वर्ड्स बहुत सारे आ गए। उस समय तो बेस ही इंग्लिश था, हिंदी वैसे ही नहीं आती थी, और जो टूटी फूटी आती थी, जो मन में होता था वो ही लिख डालते थे। लेकिन ये पक्की तरह से अनुभव है, मेरा भगवान मेरा प्यारा मेरा परीक्षक नहीं है, वो परीक्षा नहीं करता, वो ये नहीं देखता इसने कौन से शब्द बांधे, वो सिर्फ देखता है इसने क्या लिखा। जब वो भगवान है, तत्वज्ञ पुरुष है, तो मेरी बात का भी तत्व देखेगा ना, मेरे व्यक्तित्व में भी तत्व देखेगा ना, मेरे हृदय का भी तत्व देखेगा ना, मेरे दिल में कितना प्यार है वो तो यही देखेगा, वो कैसे कुछ और देखेगा। अगर मैं अपने प्यारे को जानता हूं, मैंने प्यार किया है, तो मैं उसको जानता भी होऊंगा, उसके दिल को भी जानता होऊंगा, उसके हृदय को भी पहचानता होऊंगा। तो सबसे पहली पहचान है कि भगवान तो खाली दिल देखते हैं, मानू तकींदो मुंह तींजो, दाता डिसंदो दिल तींजो। दाता क्या देखता है, भगवान क्या देखता है, सिर्फ हमारा दिल देखता है, सिर्फ हमारा हृदय देखता है। बनावटी शब्द जितने होते हैं वो बल्कि उनको इम्प्रेस नहीं कर पाते, उनको जोश ही आ जाता है। और जितनी सरलता अंदर की प्रगट की होती है, जितना कोई सरल व्यक्तित्व का होता है, उतना वो ज्यादा प्यार का अधिकारी बनता है। सरलता चाहिए, और इस सरलता में सब कुछ आ गया कि मैं बस मैं और मेरा भगवान, बीच में और कुछ नहीं, बीच में और कोई विचार नहीं, बीच में किसी की बात नहीं, बीच में किसी की तरफ झुकाव नहीं, बीच में कोई मीत नहीं, कोई वैरी नहीं। जब तक अंदर एक भी भाव का खोट रहेगा, पूरी तरह तुम मीरा भाव में नहीं डूब पाओगे। मीरा के अंदर जैसे पक्का ही पक्का है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ऐसी अंदर भावना पक्की। ये नहीं कि सूक्ष्म मन में नाम रूप रिश्ते सब पता है, तुम्हारे व्यवहार में अंतर है, किसी से वर्तने में कैसा किसी से कैसा पता है तुम्हें, ये मेरा अपना ये मेरा पराया, किसी का कर्म याद है किसका स्वभाव, ये सब तुम्हें मीरा भाव में नहीं आने देंगे। मीरा माना जो सबको मार चुकी, मीरा माना जो सिर्फ गिरधर के लिए जी रही है, मीरा माना जो सिर्फ गिरधर के साथ जी रही है, ये कसौटी तो एकाएगी रास्ते में, ध्यान देना पड़ेगा। तो मीरा जानती है मेरा प्रियतम मेरा प्यारा मेरा भगवान कोई परीक्षक तो है नहीं मेरा, वो क्या देखता है, भक्त क्या देखता है। भक्त देखता है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो गा रहा हूं, मैं जो नाच रहा हूं, मैं जो गुनगुना रहा हूं, क्या मैं इसमें पूरा अपना हृदय उड़ेल पा रहा हूं। भक्त की सोच यहां तक होती है, बस हृदय उड़ेलता है अपना, कि मैं पूरा अपना हृदय उड़ेल के रख दूं, चाहे वो बात करे, चाहे वो गाए, चाहे वो नाचे, चाहे वो सेवा करे, कुछ भी कर रहा है वो अपने प्यारे के साथ, एक ध्यान रखता है पूरा हृदय है, पूर्ण हृदय के साथ। क्योंकि दूध में जामन पड़ गया तो चाय बनाओ खीर बनाओ जो मर्जी बनाओ वो खराब होएगा। हृदय में थोड़ा भी खट्टा पड़ गया ना, कुछ कोई मन में बात आ गई, कोई स्वभाव आ गया, कोई विकार आ गया, कोई विचार आ गया, ये फिर तुम्हारी हर चीज में से संपूर्णता छीन लेता, पूरा भाव नहीं रहने देता।
पूरी तरह से समर्पित नहीं होने देता है, पूरा हृदय नहीं उड़ेलने देगा। अब तुम्हारा किसी बात पे मूड अपसेट है, तुम सेवा में लगो, पूरे भाव से सेवा नहीं होगी, पूरा हृदय नहीं उड़ेल पाओगे। तुम्हारी मूड अच्छी नहीं है, तुम एक भजन गाओ, तुम्हें खुद ही नहीं रस आएगा, सुनने वालों को तो क्या रस आएगा। भक्त हमेशा क्या देखता है कि मैं पूरा अपना हृदय रस उड़ेल पा रहा हूं। शिवलिंग पे तुम पहुंच गए, लोटा लेके पूरा नहला के आए, शिव जी उससे नहाता भी नहीं, इसीलिए पत्थर हो बैठा। भगवान किससे नहाते हैं? हृदय रस उड़ेलो पूरा। गोपियों ने, राधा ने हृदय रस उड़ेल दिया पूरा, और भगवान ऐसे खुश हो गए, निहाल हो गए कि इन्होंने अपना हृदय रस उड़ेला। ध्यान रखना, भले मत लिखो बाहर की चिट्ठियां, भले मत बनाओ बाहर के शब्द, जो कर रहे हो पूरा हृदय रस उड़ेलना। पहले हृदय रस उमड़ना चाहिए, उसके बाद वो परमात्मा पर, अपने प्यारे पर उड़ेल देना चाहिए। उतनी बातचीत है ये मीरा की, जो बातचीत है ना बस इतनी है। हर वक्त हृदय रस उड़ेलती रहती है और कुछ नहीं करती। हृदय रस उसके पास है, और चाहे वो अपने पद गाए, चाहे वो नाचे, चाहे वो बातें करे, हृदय रस उड़ेल के रख देती है। और भगवान पसीजते हैं जब कोई प्यारा भक्त अपना हृदय रस उड़ेल के रखता है, भगवान उसी पे पसीज जाते हैं। जितनी मर्जी हिस्ट्री उठा लो, कहां पसीजे भगवान, जब किसी भक्त ने हृदय रस उड़ेल दिया। कर्म नहीं है धन्य का कि भगवान आ जाएं, पर हृदय रस पर रीझ गए, हृदय रस उड़ेल के रख दिया कि खिलाए बिना नहीं खाऊंगा, दो दिन भूखा बैठा रहा, फिर तो चाहे सोटी दिखा दी भगवान को मंजूर है, चलेगा। भक्त की सोटी भी खाने को तैयार हो गए। हृदय रस भक्ति में, हृदय रस को उड़ेलना, यही होता है भगवान से संबंध, यही होता है नेह, यही होता है उनसे बातचीत का तरीका, यही होती है सेवा। हृदय रस मैंने चाकर राखो जी, हृदय रस चाकर रहसू, बाग लगासू, नितुट दर्शन पासू, हृदय रस, हृदय रस उड़ेल रही है। कल्पना कर ली है उसने, भगवान के यहाँ बगीचे की नौकरी करूंगी, सुंदर सुंदर बाग रहाऊंगी, भगवान आया करेंगे, दर्शन पाऊंगी, हृदय रस उड़ेल। काल्पनिक कहानी नहीं लिख रही, एक कहानी लिखते हैं कहानीकार कल्पना के माध्यम से, वो नहीं, मीरा की सच्चाई है, हृदय रस है। अब कभी नोटिस करना, चाहे स्वाद बनी हो, प्याला भरा हो, गरम गरम हो, टेस्टी हो, ध्यान ही नहीं जाता कप की शेप कैसी है, जाता है क्या? शराब पीने वाले, उनको प्याला लबालब भरा दिखना चाहिए, देखते हैं प्याली की शेप कौन सी है, किसमें डाल के दिया है? नहीं ना, ऐसे ही जब हृदय रस उमड़ता है ना, प्यालों की परवाह नहीं होती है। प्याले सभी तोड़ कर मैं खाने फोड़ कर, अब प्याले तो कहां गए पता नहीं। हमने तो जो कई लोग तो पीने के बाद इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं, प्याला भी टूट जाता है उनसे, देखा, पी के रखेगा जोर से और टूट गया गिलास। ये सच्चाई है, जब हृदय रस उड़ेले जाते हैं, चलते चलते शब्दों के अभाव हो जाते हैं, प्यालों की तरफ ध्यान नहीं जाते हैं, उनकी जरूरत भी नहीं होती, बात हृदय रस की होती है।
मेरे हृदय में जो प्रेम रस उमड़ रहा है, मेरा प्यारा तो बस उसी से तृप्त हो जाता है, मुझे क्या सोचना कुछ और, मुझे क्या विचार करना कुछ और इतना पता है मेरे हृदय की जो महफिल है सांवरे की महफिल है और सांवरे से सजी हुई महफिल है, ये सांवरे की महफिल सांवरे से सजी हुई है, सांवरा ही भाव देने वाला, सांवरा ही भाव जगाने वाला, सांवरा ही भाव बढ़ाने वाला, सांवरा ही भाव प्रकट करवाने वाला, सांवरा ही सांवरा। इसीलिए सांवरे की महफिल को मेरा सांवरा सजाता है और किस्मत वालों के दिल में शाम आता है। बस ये किस्मत बनाना हमारे हाथ में, कैसे कि हम अंदर से उस रस को प्रगटाएं। है तो ये जो डीएक्टिवेटेड वॉल्केनो है ना, इसको एक्टिवेट करें, इसको आने दें बाहर, इसको होने दें प्रगट। अब एक बात और कि जो ये मीरा का प्यार है, ये मीरा की तरह शुरू नहीं हुआ है, ये पुराना प्यार है। मीरा ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि मैं कृष्ण की पुरानी गोपी थी, ललिता सखी, उसने खुद भी इस बात को कहा है कि मैं ललिता सखी थी भगवान की, मैं उनके साथ वृंदावन में रही, नाची गाई, रास में शामिल हुई, उनकी लीलाएं देखी। ये सब पुराना प्रेम है जो एकदम से उजागर हुआ है, क्योंकि देखो कोई भी यहां भी आके बैठे, अगर उसका कोई पूर्व संचित संस्कार नहीं होवे तो एकदम लगन लग नहीं सकती है। किसी किसी को आते ही लगन लग जाती है, आते ही किसी का प्यार हो जाता है, और कोई बेचारे बैठ के जहां सत्संग सुन रहे होते हैं वहां ज्ञानी कूटते रह जाते हैं, कई कई साल ना भगवान को पहचान पाते हैं, ना उनके नजदीक आ पाते हैं, ना उनसे खुल पाते हैं, वहीं बैठ के बेचारे ज्ञान कूटते रहते हैं। क्यों? दिया बाती तैयार हो रहा है अभी, राजा जनक को दिया बाती तैयार था, मीरा के पास ये पूर्व संचित कर्म थे, पुराना प्रेम था ये। कभी कभी होता है ना, कई बार आपके साथ भी होता होगा कि कोई चीज देख के लगता है ये पहले देखी हुई है, कई बार होता है ना, कोई सीन गुजरता है ऐसे लगता है ये मैंने पहले देखा हुआ है, अब ये होगा, पता होता है हमें। मीरा का ये प्रेम पुराना प्रेम है, कृष्ण से ये पुरानी मुलाकात है, ये अभी का शुरुआत नहीं हो रही है, ये पुरानी है। तभी तुम्हें भी गुरु कहता है ध्यान रखना, याद रखना, तुम भी आज नहीं आके बैठे हो, तुम भी जन्मों जन्मों के इकरार हैं तुम्हारे, अब तुम वो इकरार पूरे करने आए हो। तुम्हें भी गुरु ये बात कहता है, मीरा की तरह अपने मन में ये भावना लेके चलना, तुम भगवान के प्रेमी हो, सखा हो, सखी हो, गोपी हो, अपनी इस वैल्यू को अपने साथ रखना। नई शुरुआत नहीं है, अगर नई शुरुआत मानोगे फिर तुम्हें ये संबंधी समाज सब नजर आएगा। मान के चलना पुराना रिश्ता उनसे है, वही रिश्ता निभाने आए हो, उसी को पाने आए हो, तो तुम्हारी आंखों से ये सब ओझल होगा, वरना ये सब तुम्हारी आंखों में रहेगा, वरना ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाएगा, वरना ये सब तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम अपना पहला रिश्ता याद करो, तुम भी अपना पुरानी भावनाएं याद करो कि भगवान के ही थे, भगवान के ही हो
और भगवान के ही रहोगे, ऐसा निश्चय करके चलना। शुरुआत यहीं से करनी होगी कि जो आज मेरे अंदर प्रेम जागा है, भक्ति जागी है, विश्वास जागा है, ये सब पिछला लिंक्ड है, पिछला हिसाब किताब है। मैं भगवान का पुराना सखा, पुराना मित्र, पुराना भगत, पुराना प्रेमी, कुछ भी कहो अपने को, पर उसको साथ लेके चलना, वो पूंजी तुम्हारी पुरानी जरूरी है। जब पिछली पूंजी होती है ना पास, नया बिजनेस करने में डरते नहीं, पूंजी पड़ी है, घर चल जाएगा, कुछ लगाना पड़ा लगा लेंगे। अपनी पुरानी पूंजी को यहाँ भी याद करना बड़ा जरूरी है, साथ रखना। मत कहना मैं अब भगवान से प्यार कर रहा हूं, यकीन दिलाओ अपने भीतर वाले को। लोग तो गाते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, पर यहां 100 साल नहीं, युगों युग से मुझे भगवान तुझसे ही प्यार था, आज भी है और आगे रहेगा। ये अपनी पूंजी याद रखना, अपना ये प्रेम याद रखना, अपना ये भाव याद रखना, इसको साथ लेके हम लोग आगे चलेंगे।